पढ़ने क्यों नहीं गए हो? तो स्कूल में बैठने के नहीं बनता है? पानी छू दे तो नहीं बनता। सब तरफ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह कहता है कि प्रत्येक एक किलोमीटर के अंदर एक प्राथमिक शाला हो और उसमें शिक्षा संबंधी सभी आवश्यकताएं उसमें सम्मिलित हो। लेकिन ग्राम पंचायत सरेपाली के आश्रित ग्राम गौरमुड़ी में यह कानून लागू होने के 6 वर्ष बाद भी आज तक कुछ उचित व्यवस्था नहीं किया गया है। आपको डर लगता है स्कूल जाने में? हाँ। तो पानी जब टपकता है तो आप लोग कहाँ पढ़ते हो? पानी जब टपकता है तो हम लोग सामुदायिक भवन में पढ़ते हैं। तो आप लोग अपने मैडम से नहीं बोलते कि ऐसे स्कूल में हम लोग नहीं बैठेंगे ऐसे करके? बोलते हैं। अपने मम्मी पापा को बताते हो? बिल्डिंग की समस्या है, यहाँ पर बिल्डिंग सब टूट रहे हैं और गिर रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने में बिठाने में दिक्कत होती है। यहाँ पर जो छपाई हुआ है वो टूट टूट के गिर रहे हैं, तो हमेशा डर बना रहता है कि बच्चे बैठे हैं और उनके ऊपर गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा उनके। शिक्षा के कानून के तहत तो ये सही नहीं है। बहुत दिन हो गया हम लोग यहाँ पर आवेदन दे रहे हैं विकासखंड स्तर पर पंचायत स्तर पर कि बिल्डिंग सुधारा जाए और यहाँ पर बच्चे को पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन कुछ वैसे सुधार नहीं हो रहा है। 2 साल पहले यहाँ पर मरम्मत किया गया था, जिस तरफ मरम्मत किया गया है वहाँ ठीक है, बाकी दूसरे तरफ फिर गिर रहे हैं। एक तरफ बन रहा है तो दूसरे तरफ गिर रहा है, तो नया बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए। गांव के स्कूल की स्थिति बहुत ख़राब है, उसमें सरिया या दिख रहा है बच्चों के ऊपर में, हम से डर रहता है कि कहीं वो गिर न जाए। लगभग कितना वर्ष हो गया होगा स्कूल निर्माण? कई वर्ष हो गया होगा। वही चाहते हैं कि स्कूल बन जाए और हमारे बाल बच्चे हैं जो अच्छी तरह से वहाँ पढ़ सके। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों एवं मेरे साथियों से अनुरोध है कि वे वर्तमान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ए जाफरी को 9893907447 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं ताकि स्कूल भवन का निर्माण हो सके और बच्चों को पढ़ने में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।